हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? तो आज हम यहाँ पर बनाना सीखेंगे कि अगर अगर पाउडर से या अगर अगर या चाइना ग्रास से परफेक्ट जेली कैसे बनाते हैं, होममेड जेली, जिसे आप किसी भी मीठे में या डेजर्ट में इसे यूज़ कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट जेली बनकर तैयार हुई है। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा देखें बिल्कुल आखिर तक। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। और ये बनाना बहुत ही आसान है। यहाँ पर हमने लिया है चाइना ग्रास, यानी कि इसे अगर अगर और चाइना ग्रास भी कहते हैं। ये इस शीट के फॉर्म में भी मिलता है और इसका पाउडर भी मिलता है। तो आप चाहें तो पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं और नहीं तो इस तरीके का शीट जो होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसे हम धो लेंगे अच्छी तरीके से और पानी में हम भिगो देंगे 15 मिनट के लिए। तो 1 कप पानी में हमने इसे भिगो दिया है और 15 मिनट के लिए इसे हम अच्छी तरीके से भीगने देंगे। ये अच्छी तरीके से पानी में डूबा हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने एक बर्तन ले लिया है, इसे हम कढ़ाई में बनाएंगे। तो इसमें 1 कप पानी हम डाल देंगे और पानी को अच्छी तरीके से हम गर्म होने देंगे। और पानी गर्म हो चुका है तो 2 टेबल स्पून हम इसमें शक्कर डालेंगे और इसे अच्छे तरीके से चलाते रहेंगे जब तक कि शक्कर अच्छी तरीके से घुल नहीं जाए। तब तक इस तरीके से हम चलाते रहेंगे। और शक्कर हमारी घुल चुकी है तो इसमें हम अगर अगर शीट जो हमने भिगाया था चाइना ग्रास, इसको हम डाल देंगे। ये देखिए, और फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे और इसे हम चलाते रहेंगे। लगातार इसे हम चलाना है, इसे हमें जब तक कि अच्छी तरीके से डिजॉल्व नहीं हो जाता तब तक इसे हम चलाते रहेंगे इस तरीके से। और आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से डिज़ोल्व हो चुका है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे। और यहाँ पर हमने 2 कंटेनर लिए हुए इस तरीके के और इसमें हम जेली को जमाएंगे। आप चाहें तो प्लास्टिक का कंटेनर भी ले सकते हैं। तो कंटेनर में हम 1 इंच के करीब लगभग हम इसमें ये डाल देंगे, चाइना ग्रास का घोल जो हमने बनाया है इस तरीके से। और इसमें हम डाल देंगे रेड फूड कलर। आप जिस कलर का भी जेली बनाना चाहती हो और फूड कलर आप ले लें। और पानी में अगर पाउडर है तो पानी में घोल लें, वरना लिक्विड मिलता है तो आप वो भी डाल सकते हैं। और दूसरे कंटेनर में हम ग्रीन फूड कलर डालेंगे। इस तरीके से मिला लें गरम गरम में ही, नहीं तो ये जमने लगेगा। अब इसे हम साइड में रख देते हैं और इसे हम बिल्कुल भी हिलाएंगे नहीं ताकि अच्छी तरीके से जम जाए। और यहाँ पर हम दूसरे हम कटोरियों में भी इसमें जेली हम जमाएंगे। तो कटोरियों में भी हम अलग अलग फूड कलर डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर पाउडर फूड कलर लिया है, इसको भी अच्छी तरीके से मिला लेंगे हम। तो येलो फूड कलर हमने इसमें डाला है। और दूसरी कटोरी में हम ऑरेंज फूड कलर डालेंगे। तो जब भी फूड कलर पाउडर फॉर्म में हो तो उसे पानी में मिला लें अच्छी तरीके से, तो ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है। आप पानी में घोल कर ही डालें। और अब हम इसे 1 घंटे के लिए लगभग छोड़ देंगे, 1 से 2 घंटे के लिए, ताकि अच्छी तरीके से हमारी जेली अच्छी तरीके से सेट हो जाए। और इसे बिल्कुल भी नहीं हिलाएंगे। तो 2 घंटे लगभग हो चुके हैं और आप देख सकते हैं हमारी जेली परफेक्ट एकदम जमकर तैयार हुई है। तो चाकू की मदद से इसे हम क्यूब में कट कर लेंगे इस तरीके से। आप चाहें जिस शेप में चाहें उस शेप में इसे काट सकते हैं। बहुत ही बढ़िया अगर अगर जेली या चाइना ग्रास की जेली बनकर तैयार हुई है। तो आप भी इस तरीके से ज़रूर बनाएं घर पर और किसी भी मीठे में या शरबत में इसे डालकर खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। और बाकी की कटोरी की भी जेली हम इस तरीके से निकाल लेंगे। और सारी जेली को हम एक प्लेट में सर्व करेंगे, निकाल लेंगे एक प्लेट में अच्छी तरीके से। और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया क्यूब बनकर तैयार हुआ है। बहुत बढ़िया तरीके से जेली हमारी सेट हो चुकी है। तो इसे हम कंटेनर से बाहर निकाल लेते हैं।
आप किसी भी मीठे में इसे डाल सकते हैं, खीर में, या बहुत से डिज़र्ट बनते हैं फालूदा में, आप किसी भी चीज़ में इसे डालकर सर्व कर सकते हैं मेहमानों के लिए। जब भी आप कुछ मीठा बना रही हूँ तो उसमें ये डाल सकती हैं। तो देखिए हमारी सारी जेली बनकर तैयार हो चुकी है अच्छे तरीके से। बच्चों को भी जेली बहुत पसंद आती है, तो बच्चों के लिए भी आप ये जेली बना सकती हैं। बिल्कुल सेफ़ है और बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन है ये, तो इसे आप कभी भी घर पर बना सकती हैं। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो, ये वीडियो पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं आपको ये जेली की रेसिपी कैसी लगी, ये वीडियो आपको कैसी लगी।